मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन जब बात भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की आती है तो सरकार की और मुख्यमंत्री खुद की दोहरी नीति यानी कि डिप्लोमेसी सामने आती है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने करीब 230 अधिकारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की थी, उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था और साथ में या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक चालान की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। लगातार लोकायुक्त संगठन सरकार को और सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में पत्र लिख चुका है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ चालान की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार या प्रशासन जो विभाग है वो लोकायुक्त संगठन के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी फिलहाल आप अगर बात करें तो राज्य सरकार ने करीब 230 भ्रष्ट जो अफसर हैं उनके खिलाफ चालान पेश करने की मंजूरी अब तक नहीं दी है। सरकार के ठंडे रवैये पर लोकायुक्त एडीजी ने इन अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। इनमें 32 अफसर क्लास 1 के हैं। वहीं अगर बात करें तो इनके खिलाफ जो मंजूरी नहीं मिली उसकी वजह क्या है ये भी समस्या पर है। वहीं 80 अफसरों के खिलाफ जो चालान पेश नहीं कर पा रहा है ये लोकायुक्त संगठन वो सेकंड क्लास के हैं। करीब 71 अफसर कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल राजस्व विभाग के हैं। ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट अफसरों को लेकर एक आदेश भी जारी कर चुका है। लोकायुक्त संगठन की ओर से हाल ही में ये पत्र सभी विभागों को भेजा गया है। ये सभी 230 अफसर वे कर्मचारी 24 अलग अलग विभागों से अब तक लोकायुक्त पुलिस की ओर से संभागवार सूची बनाकर भेजी जाती थी। ये पहला मौका है कि अब विभागवार सूची बनाकर भेजी गई है। एडीजी लोकायुक्त संजय माने के मुताबिक इन अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए पत्राचार किया गया है। अनुमति मिलते ही सभी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि अनुमति मिलेगी कब। लंबे समय से लोकायुक्त अनुमति का इंतज़ार कर रहा है और चालान पेश नहीं होने की वजह से मामले पेंडिंग है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पत्रकार वार्ता में चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में मौजूद हैं डिजियाना ग्रुप के सलाहकार संपादक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं और पूरी पैनी नज़र रखते हैं रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे नरेंद्र सक्सेना जी रिटायर्ड DSP हैं, काफ़ी पुलिस में काफ़ी लंबा समय गुजारा है और अपराधियों के साथ साथ भ्रष्टाचारियों पे भी जमकर नकेल कसी है आपने। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सक्सेना जी आपका भी। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी, समीक्षक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों में संवाददाता और अच्छी पोस्टों पर रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूँगा रमेश शर्मा जी से, चूँकि सर आप काफ़ी अनुभव हैं, हर तरह के दौर देखे, क्या लगता है, क्या एक तरफ सरकार ज़ीरो करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन जब बात आती है भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तो सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। इसका जीता जागता सबूत है कि लोकायुक्त में करीब 32 फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ चालान की अनुमति अब तक सरकार ने नहीं दी है और ऐसे ही कई मामले, लगभग 230 अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए लेकिन चालान की अनुमति सरकार अब तक नहीं दे रही है। ये वाकई ये खबर बहुत आश्चर्यजनक है और चौंकाने वाली है और लोकायुक्त चूंकि एक से अधिक बार भी इनके बारे में अनुमति के लिए सरकार को लिख चुका है और ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर रुकती हैं, मैं समझता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं ये जो उच्च स्तर की अफसरशाही है वो इस पर मुझे हावी दिखती है और ख़ुद इस पर मैं समझता हूँ संबंधित मंत्री को और मुख्यमंत्री को इस पर पहल करके इनकी अनुमति जारी कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम ये घोषणा करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पारदर्शी प्रशासन देंगे, तो इस तरह की फाइलों को अटकना प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल शुभ संकेत तो नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार के दोहरे रवैये भी इससे उजागर होता है। नरेंद्र सक्सेना जी, चूँकि आप काफ़ी लंबे समय तक पुलिस की नौकरी में रहे हैं और कई बार चालान नहीं होने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से किस तरह की परेशानी आती है उससे भली भांति आपसे परिचित रहेंगे, क्या क्या वजह रहती है कि सरकार जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चालान की अनुमति नहीं देती, कहाँ देरी आती है? असली में क्या है कि हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करके जब बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि इसमें अब चार्जशीट पुटअप करना है, उस समय हमको प्रायर टू पुटअप द चार्जशीट हमें परमिशन लेना पड़ती है कंसर्निंग अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी से या संबंधित डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ती है, उनके आला अफसरों से परमिशन लेना पड़ती है।
मगर इसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इस तरह का ट्रीटमेंट करने के चक्कर में कि उनके विवाह की बदनामी ना हो तो पेंडिंग रखते हैं जानबूझ के ही कि अगर परमिशन मिल गई तो हमारे यहाँ के एक रिकॉर्ड जाएगा ऊपर और सब जगह सोसाइटी में कि हमारे यहाँ के इतने चालान प्रस्तुत हो गए। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि इसको जितना लंबा खींच सकें उतना खींचें। इसमें होता क्या है कि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनको इसका लाभ धीरे धीरे मिलना चालू होता है, क्योंकि अगर देर से न्याय मिलेगा तो एक तरह से न्याय नहीं रह पाता। इसको रोकने के लिए, इसको डिले करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मगर अगर स्ट्रिक्टली अगर हम लोग अगर रेगुलर इसको परसीव करके और लगातार लगे रहें तो डेफिनेट है कि 3-4-5 रिमाइंडर्स के बाद में परमिशन मिल जाया करती है। वैसे मिल जी, आपने सुना नरेंद्र सक्सेना जी का कहना है कि आज जो विभाग के अधिकारी हैं वही अपने अधिकारी को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि जितने डिले हो उतना न्याय देर से मिले, और जब न्याय देर से मिलता तो न्याय संगत नहीं होता। क्या मानते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस रचना में लोकायुक्त का जो मुखिया है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज और उसके समकक्ष जो दूसरा पद आता है वो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी सेवानिवृत्त। ये दो पदों से ये जो अध्यक्ष लोकायुक्त का पद है ये विभूषित होता है। उसके बाद एक उपलोकायुक्त का पद भी है वहाँ पर, जो कि सामान्य तौर पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जो है भरा जाता है। और आपको मालूम होगा कि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी वहाँ आईपीएस ऑफिसर्स जो है वहाँ पर होते हैं। अब जब चालान पुटअप करने के लिए किसी भी विभाग को जब ये भेजा जाता है तो सामान्य ये जो एक्ट में व्यवस्था है वो विभागाध्यक्ष का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो दिक्कत यहीं पर आ जाती है। और जैसा कि भोपाल की आबो हवा है, प्रशासनिक आबो हवा या राजनीतिक आबो हवा, ये जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ये कहीं ना कहीं से जोड़ जुगाड़ जमा लेते हैं और अधिकारियों को और बड़े मंत्रियों को वगैरह उनसे कहलवा के अपने विभागाध्यक्ष तक ये सूचना पहुंचवा देते हैं कि साहब इसको जितना डिले किया जाए। और उनका भी दिलचस्पी, जैसा कि इन्होंने बताया कि बदनामी का डर उन्हें भी होता है, लेकिन इस व्यवस्था में दिक्कत ये हो रही है कि हम पाल पोस के उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं या चला रहे हैं सरकार के साथ में जो भ्रष्ट हैं और जिन्होंने सरकार का नुकसान किया है, आपके हमारे जेब के टैक्स के पैसों का नुकसान किया है। और यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि नहीं दिखाई जाएगी इस काम में तो मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्ट अधिकारी कभी दंडित हो पाएंगे। उनमें से कई जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिटायर हो जाते हैं, कई जो है वो फिर कोई दूसरे रास्ते तलाश लेते हैं। तो ये जो एक व्यवस्था है ये एक्ट में ही परिवर्तन की आवश्यकता है और उसमें एक समय सीमा का निर्धारण आवश्यक है कि यदि संबंधित विभागाध्यक्ष एक समय सीमा में, जो कि 30 दिन की कालावधि अभी तय है, उसके भीतर यदि वो नहीं देते हैं, क्यों सक्सेना जी 30 ही दिन है ऐसे स्टेट में, हाँ वो ऐसे सॉरी, तो उसमें अधिक समय सीमा अवधि है, तो यदि ये समय सीमा अवधि में उत्तर नहीं आता है विभागाध्यक्ष का तो ये समय मान लिया जाना चाहिए कि उन्हें अनुमति दे दी गई है और जो है लोकायुक्त को ये अधिकार हो कि वो इस मामले में चालान पुटअप करे, प्रोसीड कर सके इस केस को लेकर। बिल्कुल, एक बात कही आपने कि अगर समय अवधि में सरकार या विभाग चालान की अनुमति नहीं देते हैं तो ये अधिकार होना चाहिए लोकायुक्त को या पुलिस को भी कि वो अपने अपनी समय अवधि में चालान पुटअप करे। रमेश जी, एक जो बात सामने आ रही है बार बार, के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात कहते रहे कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के मामले में, और मध्य लोकायुक्त पुलिस ने बड़े बड़े अधिकारियों को फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया है। हम बात करें जोशी दंपति की बात करें या हम अजीत जाबराल जो थे फॉरेस्ट ऑफिसर थे जवाल आज़ाद उनकी भी बात करें या पुरुषोत्तम सोम कुमार की बात करें जेल डी आई जी से, ऐसे अधिकारियों को ट्रेप किया। लेकिन जब चालान की बात आती है तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने में लोकायुक्त को सबसे बड़ी समस्या आती है, जबकि जो छोटे कर्मचारी रहते हैं उनके खिलाफ चालान भी पेश हो जाता है वक्त पे और सज़ा भी मिल जाती है। तो ये ब्यौरी नीति कब तक चलेगी? देखिए, मोटे तौर पर जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रशासन को, कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ये गड़बड़ी नहीं होती, उनकी जानकारी में या नॉलेज में जो बात आती है तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहते हैं। वो कितना ही बड़ा मामला हो, वो उनके पास किसी तरह की कोई रियायत और गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनकी जो उदारता या वैसा स्वभाव है उसके कारण कुछ अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं और वो फाइलों को लटकाते हैं। ये बात न केवल चालान पुटअप करने के मामले में आती है बल्कि कर्मचारियों को आरोप पत्र जांच जारी करने में भी आती है। निलंबन की सीमा के 3 महीने के भीतर आरोप पत्र आना चाहिए, वो नहीं होता तो उसको पूरी तनख्वाह मिलने लगती है और वो बहाल हो जाता है। प्रशासनिक रैकेट है, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ उसके अंतर्गत आती है और उसमें बहुत कसावट की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मिलिंद जी ने कहा कि उसकी समय सीमा हो जाना चाहिए, आ रही तो चालान पुटअप हो उसका। जी बिल्कुल, आपने भी बात अच्छी कही है कि कसावट होनी चाहिए।
नरेंद्र जी, क्या लगता है कि इस तरह की कोई समय सीमा निश्चित की जा सकती है? जैसे आपने बताया था कि SC ST एक्ट में अगर 30 दिन में चालान नहीं पेश करते तो कार्रवाई होती है, दूसरे मामलों में जो छोटे अफेंस है उसमें 60 दिन का प्रावधान है चालान प्रोडक्ट करने का, और जो सीनियर अफेंस है उसमें 90 दिन का। तो ये जो भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करते हैं लोकायुक्त संगठन हो या EOW हो या दूसरी एजेंसी हो, उनमें सबसे ज़्यादा ये चालान को लेकर समस्या आती है, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? असली में क्या है कि इनमें कानून में प्रावधान है गिरफ्तारी के 60 डेज 90 डेज और 30 डेज, इनमें चालान पुटअप होंगे। 30 डेज में तो चालान पुटअप होता है, SC ST में करना ही पड़ता है गिरफ्तारी के 30 दिन के अंतर्गत। और पेटी ऑफेंसेज छोटे ऑफेंसेज जो हैं अदर देन हीनियस, उनमें 60 दिन की अवधि दी हुई है, प्रावधान दिया हुआ है, और हीनियस ऑफेंसेज में 90 दिन का प्रावधान दिया हुआ है। मगर कभी कभी क्या होता है कि इन मामलों में गिरफ्तारी के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों में काफ़ी एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है पुलिस को, उसमें गिरफ्तारी के 90 दिन में चालान पुटअप नहीं हो पाता। कहीं कहीं समझिए कि पेटी भर भर के डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करना पड़ते हैं, उनका जांच कराना पड़ती है पुलिस को। ये सब कुछ कराने के बाद जब कॉन्क्लूजन निकलता है, उसका स्टार्ट होना चाहिए जिस दिन से हमने लेटर जारी किया है, उस दिन से 30 डेज या 60 डेज जो भी सरकार चाहे या विभाग चाहे वो एक डिसाइड करेगी। आपके लेटर आने के बाद 30 डेज में हम आपको परमिशन दे देंगे। अगर इस तरह की दे देते परमिशन तब तो एनी हाउ वी कैन पुट अप द चार्ज शीट, मगर उसके बाद अब अटकाते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल, उसमें फिर पब्लिक को समाज को न्याय नहीं मिल पाता और भ्रष्टाचारी को संरक्षण मिलता है। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी को संरक्षण मिलता है, लेकिन मिलित जी ये संरक्षण दे कौन रहा है और देता कौन है? अगर जो संरक्षण दे रहा है क्या वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता, या उसको भी नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं देखिए, ये कानून का फ्लॉ है। देखिए जैसे अभी इन्होंने बताया कि 60 दिन और 90 दिन और 30 दिन, ये तीन जो है कालावधि है। सामान्य तौर पे यदि इस कालावधि को आप पार कर जाएंगे और उसके बाद चालान पुटअप करेंगे तो कोई भी जो सदा हुआ एडवोकेट है वो सबसे पहले जो है उसके लिमिटेशन पीरियड पे ही बहस कर लेगा कि साहब ये तो समय सीमा के बाहर जो है चालान पुटअप हुआ है, यानी पहली शुरुआत वहीं से हो गई। इसीलिए इन्होंने अभी जो नरेंद्र जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिन से पत्र जारी हुआ है अनुमति का, वहाँ से उसकी गणना होनी चाहिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका एजुकेशन जो है बाहर हुआ है, विदेशों में हुआ है, और अभी पिछली बार जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को जो है लोकायुक्त के दायरे में स्वयं लाया पद पर रहते हुए। तो मेरा मतलब है कि ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, पढ़े लिखे आदमी में ये दिखाई दे सकती है, ईमानदार आदमी में दिखाई दे सकती है कि वो स्वयं कह रहा है कि आप मेरे पद को भी जो है इसकी जद में लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि शिवराज सिंह जी, जैसा कि मैं समझता हूँ कि अपने आप को हमेशा वो साफ पाक साफ कहते हैं, तो ये उनके लिए एक अवसर है कि वो भी ये कहें कि ठीक है, लोकायुक्त का जो कार्यालय है या लोकायुक्त का जो एक्ट है उसमें हम मुख्यमंत्री के पद को भी जो है उसकी सीमा में लाने जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको सीधा मैसेज मिल जाता है कि यदि मैं गलत काम करूंगा तो मेरे को जो है सजा हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूं, और मेरे को जो बहुत सारे लाभ जो सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। तो जब तक इस तरह की कोई उनमें डर की भावना जब तक नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। इन्हें कौन संरक्षण देता है ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है समझना। मेरा ये कहना है कि जो जिस व्यक्ति को इसकी अनुमति देनी है, जैसे विभागाध्यक्ष का पद है, तो उसकी क्या मजबूरियाँ वो समझना पड़ेंगी। हो सकता है कि वो अपने बड़े अधिकारियों से सलाह करता हो, लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है ये शुरुआत इसकी हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही हो सकेगी। और ईमानदारी जो है तभी आएगी जब इसमें जो है, अब 230 आपने आंकड़ा बताया, ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, और इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, आप देखिए वहाँ कम से कम 5,000 लोग कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं, और काम कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो जो आप करोड़ों रुपए का जो है नॉन प्लानिंग में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनकी तनख्वाह पे, भत्तों पे, तो सब वो वेस्ट हो रहा है ना सारा पैसा। बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। रमी जी, एक जो बात कही मिलिंद जी ने कि मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने आप को लोकायुक्त के दायरे में रखा, लोकपाल की मांग लगातार सही करती की जाती रही है, आंदोलन भी है लोकपाल की मांग को लेकर, मध्य प्रदेश में तरह से लोकायुक्त नियुक्त है, क्या सहमत हैं आप मिलिंद जी की बात से कि इस मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में आना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुख्यमंत्री जी लोकायुक्त के दायरे में आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है,
और एक आदर्श और एक अच्छी स्थिति इसमें स्थापित होगी। तो मैं समझता हूँ इसके लिए समय सीमा के साथ साथ जो भी विभाग प्रमुख है, जिस अधिकारी को ये दायित्व है कि उसको अनुमति देना चाहिए, ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि अगर उससे अनुमति मांगी है और इतने दिन तक अगर कोई फाइल उसके टेबल पर रखी गई है तो मैं समझता हूँ उसको अनुमति देना ही चाहिए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने एक से अधिक बार ये कई बार कहा है कि कोई भी फाइल एक टेबल पर 24 घंटे से ज़्यादा ना रुको, अगर उनके ये निर्देश हैं और उनके निर्देश को पालन कोई नहीं कर रहा है सामान्य प्रशासन विभाग का व्यक्ति जो महीनों किसी बहानों से फाइल को डंप किए हुए हैं, तो विभागाध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं दी उसने अनुमति? बिल्कुल, विभागाध्यक्ष इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार भी होता है, क्योंकि जब तक विभागाध्यक्ष नहीं चाहेगा अनुमति नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह से संरक्षण देता है। जो वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र जी क्या मानते हैं कि जैसे रमेश जी ने कहा कि जो विभाग अध्यक्ष है जो अनुमति देने में देर करता है या लेट लतीफी करता है या अवॉइड करता है, उस पर भी इस कार्रवाई की जानी चाहिए या इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है लोकायुक्त द्वारा? नहीं, एक्ट में अभी प्रावधान नहीं है, मगर SC/ST में एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई भी थानेदार अगर SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम नहीं करता है किसी कंडीशंस पे, जानबूझकर उसको अवॉइड करता है, तो उस थानेदार के खिलाफ भी SC/ST एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई हो जाती है। अगर इस तरह का प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में लाएं कि अगर उनके शो कॉज नोटिस दिया जाए विभागाध्यक्ष को या इस तरह के उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने की तैयारी की जाए, तो हो सकता है इसके सकारात्मक परिणाम हों और लोग इसके डर से थोड़ा भय से परमिशन देने में शीघ्रता बरतेंगे। लोकायुक्त तो वैसे ही अपने आप में पावरफुल शख्सियत होती है, पावरफुल पर्सन होता है, तो क्या वो अपनी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई करता है या करना चाहिए? नहीं, लोकायुक्त एक्ट में अगर प्रावधान इस तरह के इस तरह के प्रावधान अभी नहीं है, इस तरह अगर परमिशन डिले होती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, अगर ये प्रावधान जोड़ दिए जाए इसमें तो इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। मिलिंद जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? विभाग अध्यक्ष को जिम्मेदार मानते हैं या सरकारी तंत्र को इसके लिए दोषी मानते हैं कि इतने सारे अनुमति के लिए पेंडिंग है मामले लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है? ये तो काफ़ी 230 जो आंकड़े हैं जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर के और 3 दूसरे जो कर्मचारी अधिकारी उनके के आंकड़े हैं। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लोकायुक्त संगठन में ऐसे करीब सैकड़ों की तादाद में मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा अभी आपने ही आंकड़े बताए हैं सारे, और आपने ही कहा है कि छोटे कर्मचारियों पे जो है भ्रष्ट कर्मचारियों पे कार्रवाई हो जाती है, बड़ों पर नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े चूंकि प्रभावशाली होते हैं, उनके कहीं ना कहीं ऊपर संपर्क होते हैं, इसलिए वो कार्रवाई को प्रभावित करते हैं और पैसा भी होता है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया हुआ होता है। ये सारा जो मामला है ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। विभागाध्यक्ष तो एक टूल है जो उसको परमिशन देता है, लेकिन और दूसरा जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि क्या ये संभव है कि लोकायुक्त स्वयं अपनी तरफ से कर, तो लोकायुक्त तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कानून से तो बाहर नहीं जा सकते ना, एक अपने आप व्यवस्था है, संविधान है, तो जब तक कानून उन्हें जो है ये शक्ति नहीं देगा तब तक जो है वो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और कानून कौन बनाएगा? कानून बनेगा विधानसभा में बनेगा, यानी सारे विधायक बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, सत्ताधारी दल बनाएगा, और उसमें सहयोग भी होना चाहिए विपक्ष का। तो ये चूंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन सबको पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमें भ्रष्टाचार रोकना है, और यदि ये इस तरह से सोचेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, और इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। रमेश जी, जो बात अभी आ रही थी कि कई मामले आपने कहा जैसे कि CM के नॉलेज में नहीं गए थे सारी चीज़ें, लेकिन एक जो CM जब विभागवार समीक्षा करते तो जाहिर सी बात है उनके मामले सामने भी इस तरह के मामले आते होंगे, तो क्या अब वो इस तरह के स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, हालांकि बात तो वो बराबर करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो कहीं ना कहीं सब दोहरी नीति दिखती है, दोहरा रवैया नज़र आता है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि एक तरफ जहाँ पहले दिन से मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की, पारदर्शी प्रशासन की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर 230 प्रकरणों में चालान की अनुमति नहीं मिली तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। जहाँ तक विभागीय समीक्षा का आपने कहा, वहाँ इस तरह के प्रकरण विभागीय समीक्षा में नहीं आए। विभागीय समीक्षा में विभाग का बजट और जो योजनाओं का क्रियान्वयन और उसमें कितने प्रतिशत योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और अगर उसमें कम हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वो नीतिगत बातें आती हैं, बजट आता है। ये जो इस तरह की बात होती है कि चालान कितने रह गए हैं, नहीं रह गए हैं,
ये सवाल तभी आता है जब मंत्री कोई पूछता है विभाग अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री पूछता है तभी आता है, बिना पूछे ये प्रकरण क्योंकि सहज रूटीन के मामले होते हैं, ये समीक्षा विभागीय समीक्षाओं में ये प्रकरण नहीं आते। लेकिन फिर भी मीडिया की तरीके से, अपने चैनल की तरीके से प्रशासन के सामने ये बात आई है, अखबारों में भी ये बात छपी हुई है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसको स्वप्रेरणा से ही संबंधित विभाग के मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को खुद भी उनको तलब कर लेनी चाहिए, और ये खुद विभागाध्यक्षों की ये सूचना है, इसमें मुख्यमंत्री कोई रहे नहीं रहे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी जब वो गए थे तो करीब 1200-1400 मामले पड़े हुए थे, अनुमति नहीं मिली। ये हर सरकार कर रहता है, और इसमें सरकार किसी भी दल की हो, वो भाजपा की हो कांग्रेस की हो, उसका उतना कोई लेना देना नहीं होता, ये सारा विभागीय स्तर पर होता है, सारा विभागाध्यक्ष के स्तर पर होता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त की कमी है, और नरेंद्र जी ठीक संक्षिप्त में और मिलिंद जी आपको संक्षिप्त में थोड़े थोड़े चक्रिय चाहूँगा कि किस तरह से वो क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है लोकायुक्त संगठन भी कर रही है, UW भी कर रहा है, जितनी भी जो नोडल एजेंसी हैं जहाँ एजेंसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन पर उनके खिलाफ चालान पुटअप नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ जैसा आपने कहा इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर की कमी है, तो कुछ ऐसा कोई रास्ता हो भी तो होगा जो CM डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर कर सकते के हस्तक्षेप करके अनुमति दिलवा सकते हैं। एक असली में अपने जिले स्तर पर हमेशा एक मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग 3 महीने में एक बार हुआ करती है, जिसमें जिले के जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर साहब और SP साहब तीनों बैठ के जिले की समीक्षा करते हैं पूरी। इसी स्तर पर अगर चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब और चीफ जस्टिस महोदय तीनों बैठ के अगर चर्चा करें इस तरह के तो एक हल निकल सकता है, तो एक हल निकल सकता है, मेरा ये सोचना ये है। बाकी इसमें कानून, इसमें हो सकता है कानूनी गलतियाँ आए तो उसके लिए फिर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। मिलिंद जी आप कम शब्दों में, क्योंकि यही है कि संभागीय स्तर पर भी इनके कार्यालय हैं लोकायुक्त के, और समीक्षा तो ठीक है, मेरे को लगता है कि कानून में ही राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रावधान होना चाहिए, और समय सीमा में आपको मालूम होगा दीपाली रस्तोगी और रघुवंश सिंह सिरोही और बुद्ध साहब जैसे अधिकारी थे तो वो अपने स्तर पर निर्णय लेकर दे दिया करते थे। बिल्कुल, इच्छा शक्ति होना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। जैसे नरेंद्र सक्सेना जी ने कहा कि एक चीफ सेक्रेटरी को एक जिला वाइज बैठक करनी चाहिए, जब समीक्षा की बात हो तो इस मामलों पर भी पैनी नज़र रखते हुए उस पर समीक्षा की जानी चाहिए। रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि जो नॉलेज में आ जाए मुख्यमंत्री की तो उसी समय दिशा निर्देश भी दी जानी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं तो इस मामले में भी और इस तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, अदालत तक पहुँची नहीं पहुँची, सजा मिली नहीं मिली, इस पर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। पत्रकार वार्ता में आज इतना ही इस मुद्दे पर, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।